हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो हमारे फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, सन बर्न हो जाता है हमारी, और ब्लेमिशेस हो जाते हैं हमारे फेस पर। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारे फेस पर बहुत सारे दाग, जिन्हें हम स्पॉट्स भी कहते हैं, छोड़कर चली जाती हैं ये सारी चीज़ें, और जिससे कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है। आपकी स्किन जो अनइवन हो गई है उसको इवन करने के लिए, आपकी स्किन को और लाइटन करने के लिए बस एक ही तरीका है जो काम आएगा, एक ही इंग्रेडिएंट है जो काम आएगा, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है, ये आपको आपके घर में मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट, ये बहुत ही सस्ता है क्योंकि आपको घर में मिल रहा है, आपको लिए आपको इसके लिए बाहर जाकर बहुत सारे पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, इतना परचेज नहीं करना पड़ रहा है। थर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये वाला जो चीज़ है, और बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है करने के लिए, जो कि आप घर में बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत क्विक इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जिस इन्ग्रीडियंट की हम बात कर रहे हैं, वो इन्ग्रीडियंट है हमारा ये पोटैटो। यस, तो अब देख लेते हैं कि जो ये पोटैटो का स्लाइस है, जो इसके अंदर जो जूस होता है, वो क्यों इतना बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए। तो गाइस, क्या होता है, हमारा जो पोटैटो होता है इसके अंदर होता है विटामिन B6, पोटेशियम एंड विटामिन C। तो इससे क्या होता है कि हमारे स्किन पर जो भी डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं, ब्लेमिशेज हो रखे हैं, स्पॉट्स हो रखे हैं, सनबर्न हो रखा है, उसे ये जड़ से हमें ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके अलावा हमारे जो अनइवन स्किन है उसे लाइटन करने में, हमारी स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाने में और रिंकल्स फ्री स्किन बनाने में, हमारी जो पफी आइज हो जाती हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। तो अब देख लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। आपको स्लाइस जो भी आपका इफेक्टिव एरिया है, आपको उस इफेक्टिव एरिया पे इसको अप्लाई करना है। तो जैसे कि अभी यहाँ है मेरे हल्के हल्के से, तो मुझे ये बस यहाँ पर इसको बहुत जेंटली हाथों से, इसको बहुत ऐसे हार्शली नहीं आपको मलना है, बहुत ही हल्के हाथ से इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में, जिस एरिया पर भी आपको डार्क स्पॉट्स हैं आपको वहाँ पर इसको अप्लाई करना है। तो बहुत ही, और इसी प्रोसेस को आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। 2 से 3 मिनट अप्लाई करने के बाद, और फेस पर जहाँ जहाँ आपको ये आपको ब्लेमिशेज या डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं जिस एरिया में, फिर आपको उस एरिया के बाद आपको उसको दूसरे एरिया पर अप्लाई करना है। और बस ये अप्लाई करने के बाद आपको इससे कम से कम 10 मिनट के लिए, ये जो पोटैटो जूस हमारे फेस पर लगा है, अभी आप देख पा रहे होंगे जो जूस यहाँ पर लगा है, इसको आपको अपने 10 मिनट तक फेस पर ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है अच्छे से। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, तो इसे आपको जो करना है, इसे आपको डेली करना है। कम से कम इसको आपको 1-2 हफ्ते तक तो डेली ही करना है। आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि अगर आपने 1 या 2 दिन किया और आप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। एकदम से रिजल्ट तो हमें किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा। तो आप इसे 1 से 2 हफ्ते करिए, आपको खुद डेफिनेटली सारे रिजल्ट दिख जाएंगे कि, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ना कोई इसमें इतना टाइम लग रहा है। सिर्फ 5 मिनट मुश्किल से लगे हैं ये अप्लाई करने में। आप एक बार इसको अप्लाई कीजिए एंड डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द ही खुद ही दिख जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।